अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं शाहिद इकबाल यूट्यूब चैनल में, आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल अपने चैनल में वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि रिसेंटली हमने न्यूज़ में बताया कि जो इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको तंग किया जा रहा है और उनकी फंडिंग जो है यूके होम ऑफिस रोकने जा रहे हैं। तमाम जितनी भी खैराती इदारे हैं यानी एनजीओज़ हैं तो वो फंडिंग करती हैं, तो वो फंडिंग जो है यूके होम ऑफिस रोकने जा रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म इस पर कोई ऐलान करेगा कि भाई फंडिंग ना रोको? दूसरा ये है दोस्तों, इस वक्त कोविड-19 आपको पता है कि तो अब जो है ना 14 जुलाई तक कोरोना को भी जो है ना बढ़ाया दिया जा रहा है लॉकडाउन के, भाई 14 जुलाई तक जो है ना इसको एक्सटेंड करते हैं। पहले 21 जून था और 21 जून को सब कुछ ओपन हो जाना था, लेकिन अब तीसरी लहर जो है ये बहुत ख़तरनाक है, डेल्टा वायरस जो भारत का इस वक्त यूके में एंटर हुआ है। लेकिन इस दौरान कुछ माहरीन ने और कुछ लोगों की ये क्या सराहियाँ हैं कि आया क्या इस कोरोना के दौरान कोई एमनेस्टी के बारे में भी सोचेंगे या ये जो फंडिंग है? तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर को ये अब करना होगा ऐलान कि तमाम इनलीगल इमिग्रेंट्स जितनी भी हैं उनकी फंडिंग मत रोकी जाए। दोस्तों, पहले भी हुकूमत ये बदनाम हो चुकी है आलमी सतह पे, आपने देखा होगा कि इनको काफ़ी तनकीद का निशाना किया गया, प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रीति पटेल को भी, दीगर अरकान को भी, कि आप इनलीगल इमिग्रेंट्स का अच्छा बर्ताव नहीं रखते हैं। और रिसेंटली आपको पता है हाई कोर्ट ने भी बैरक्स में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छा डिसीजन दिया था। तो इन तमाम नज़रियात को देखते हुए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इस बात पर ऐलान करना चाहिए कि इनलीगल इमिग्रेंट्स की फंडिंग नहीं रोकनी चाहिए। यकीन करें, अगर इनलीगल इमिग्रेंट्स की फंडिंग रुक जाती तो वो पहले किस हाल में बेचारे हैं। अगर उनकी फंडिंग रुक जाती है, उन तक कोई चीज़ नहीं पहुंचती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनके हालात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। दूसरा ये दोस्तों कि एमनेस्टी के जो चांसेस हैं वो मज़ीद बढ़ने की बजाय कभी बढ़ा देते हैं तो कभी कम कर देते हैं। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आप ये रीज़न कोविड-19 दे रहे हैं, हालांकि इससे पहले ये कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी लोग पटिशन साइन करें और जैसे ही पटिशन साइन करेंगे तो हम इस चीज़ को डिबेट करेंगे, डिबेट के बाद फौरन जो है एमनेस्टी ओपन कर देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अभी क्या करने वाले हैं? अभी दोस्तों ये एक्सटेंड करेंगे डेट और यही बहाना आपको बताने वाले हैं कि भाई इस वक्त कोरोना है और हम जो है ना ये काम नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ये काम तो आप नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को साथ रवैया दुरुस्त करें, लोगों को खाना पहुँचाएँ, लोगों को तमाम तर उनके जो अखराजात हैं वो तो पूरे हों, यानी आप फंडिंग तो कम से कम ना रोकें। बहरहाल दोस्तों, SNP की जमातें, चैरिटी की तंजीमें, जो दूसरे दीगर अदारे हैं, ह्यूमन राइट्स, रिफ्यूजियस एजेंसीज, तो वो इस बात पर उनका काम है कि वो एहतजाज करेंगे, ठीक है ना? वो ये एहतजाज दोस्तों यही करेंगे कि तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स की फंडिंग ना रोकी जाए, और ऐसा काम करने से काफ़ी सारा जो है इलीगल इमिग्रेंट्स की हेल्प हो सकती है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट गैर तारकिन वतन जितने भी हमारे भाई इस वक्त मौजूद हैं काफ़ी बेचारे मुश्किलात का शिकार हैं। बहरहाल दोस्तों, इंतज़ार करें क्योंकि अब एमनेस्टी पर काफ़ी सारे लोग बातें कर रहे हैं कि एमनेस्टी को ओपन किया जाए, लेकिन अब कोरोना की सूरत को देखते हुए शायद इसमें कुछ डिले किया जाए, लेकिन कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल ही जाएगी जुलाई में। बहरहाल देखते रहिए शायद वाले यूट्यूब चैनल, जैसे कोई इस सवाल से मज़ीद नई अपडेट्स आती हैं तो इंशाल्लाह आप तक पहुँचा देंगे। तब तक कितना ही दो में याद रखिए, थैंक्स वॉचिंग, अपना अपना प्यार ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।